दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों शाहरुख खान की मूवी पठान के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, रिलीज डेट के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहना एंड तक। दोस्तों चैनल पर नए वीडियो के तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करो यार, आप लोग की सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, जो इसकी मूवीज की बताई गई जो इसमें इसका न्यूज आया था, तो इसमें इसकी रिलीज डेट जो अभी सामने आई थी कि पठान मूवी शाहरुख खान को, जिसको आनंद सिद्धार्थ आनंद इस मूवीज को डायरेक्ट करेंगे, YRF 50 के प्रोजेक्ट होगा। तो बता दे कि ये न्यूज़ तो आ रहा था कि शाहरुख खान एक साथ दो मूवी के अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन बता दे ये मूवी वो नहीं है। ये मूवी को YRF अपनी 27 सितंबर को अनाउंसमेंट करने वाली है और ये लगभग कन्फर्म है। और इसमें इसकी बात कर जाए, इसमें इसकी रिलीज डेट करें तो रिलीज डेट अभी जो रिलीज डेट सामने आ रहा है वो 2 अक्टूबर 2021। हाँ दोस्तों, 2021 में 2 अक्टूबर के दिन पे ये मूवी को रिलीज करने का अभी जो डेट आ रहा है। लेकिन बता दे शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद जो प्लानिंग बना रहे हैं कि इस मूवी की शूटिंग बहुत पहले, मतलब 2-4 से 5 महीने के अंदर इसमें की शूटिंग ख़त्म होने वाली है। तो बता दे ये जो अनाउंसमेंट होने वाला है ये बिना रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये मूवी 2 अक्टूबर से पहले आ सकती है, या कोई बड़ी फेस्टिवल लेकर या 2 अक्टूबर से पहले आएगी या 2 अक्टूबर को आएगी। लेकिन बता दें 2 अक्टूबर से ये मूवी लेट नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या 2 अक्टूबर को आनी चाहिए? क्योंकि लास्ट जो सिद्धार्थ आनंद की मूवी थी वो भी 2 अक्टूबर को आके वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट कर दिए। तो आप लोगों को क्या लगता है 2 अक्टूबर को आनी चाहिए या नहीं, या उससे पहले आनी चाहिए? तो बता दे मूवी अच्छी होनी चाहिए, बाकी कोई फेस्टिवल मायने नहीं करता। तो इस बारे में आप लोग का राय क्या है जरूर कमेंट बताओ, वीडियो बनाओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो।